गाइज ये वही जगह है जहां पर हमने रात के 12 बजे आकर कैंपिंग करने की कोशिश करी थी और हमने सोचा था पूरी रात हम यहां पर बिताएंगे, बट हमारे साथ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, हमें कुछ ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनने को मिली कि हम यहां पर एक सेकंड के लिए भी उसके बाद रुक नहीं पाए, हमें यहां से निकलना पड़ा। जैसा कि हमने सुना था यहां पर आवाज़ आते ही हमने अपने कानों से सुना, बट गाइज हम यहां पर नहीं रुक पाए। हमने सोचा यार कोई तो रास्ता होगा जहां पर हम इस जगह का कुछ रिकॉर्डिंग ले सके कि यहाँ पर सच में कोई अजीबोगरीब चीज़ है या फिर नहीं, कि या वो हमारे कैमरे में कैद हो सकती है या फिर नहीं। तो हमने सोचा गाइस यहाँ पर हमारे नॉर्मल कैमराज काम नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें रखने पड़ेंगे नाइट विजन वाले सीसीटीवी कैमराज। जी हाँ गाइस, आज के वीडियो में हम इस भूतिया जगह में नाइट विजन वाले 2 सीसीटीवी कैमराज लगाने वाले हैं पूरी रात के लिए, और देखेंगे कि सच में यहाँ पर हमें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखती है या फिर नहीं इस कैमरा की मदद से। और जो भी चीज़, जो भी रियलिटी होगी इस कैमरे से नहीं बच पाएगी, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल कैमराज होते हैं गाइस वो रात को रिकॉर्ड नहीं कर पाते। अभी देखते हैं इस कैमरे को पूरी रात इस हॉन्टेड जगह पर रखने के बाद में हमें क्या देखने को मिलता है। एंड गाइस जिसने हमारी अगली वीडियोस में इस जगह को नहीं दिखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कभी ना कभी सरकारी क्वार्टर्स हुआ करते थे, सरकारी लोग इसमें रहते थे जो भी यहाँ के आसपास में काम किया करते थे, बट भाई ये काफ़ी सालों से अबेंडेंट से पड़े हुए हैं। तो आपको भी पता होगा, आपने सुना भी होगा, जो जगह जहाँ पर इंसान रहना बंद कर देते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, हमने भी ऐसी बात सुनी है कि वहाँ पर भूतों का वास हो जाता है, धीरे धीरे भूत ये सारी चीज़ें जो अपना घर बना लेती है। तो गाइस यही जगह है जहाँ पर भूत होता है। गाइस यहाँ पर आज हमारे पास 2 नाइट विजन सीसीटीवी कैमराज है, और इन कैमराज की खास बात ये है कि ये पावर बैंक की मदद से भी चल सकते हैं। जी हाँ गाइस, मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरीके के नाइट विजन कैमराज है, और यहाँ पर नॉर्मली जैसे अपना फ़ोन चार्ज में लगाते हो वैसे ही हम इसे पावर बैंक से कनेक्ट कर ऑपरेट कर सकते हैं। यही मज़ेदार बात है। और गाइस हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कैमरा है चोरी ना हो जाए। साथ ही साथ एक और फीचर बता दूं, ये जो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा साथ ही साथ आवाज़ भी रिकॉर्ड करेगा। मतलब अगर कोई ऐसी आवाज़ है जो कि हम यहाँ पर नहीं थे, हमने नहीं सुनी, तो ये कैमरा सुन लेगा, उसे रिकॉर्ड भी कर लेगा। तो अभी यहाँ पर इंतज़ार है रात होने का। गाइज रात के 9 बजने वाले हैं और अभी एकदम अंधेरा हो चुका है, और ये सही टाइम है हमारे इन सारे कैमराज को सेटअप करने का। गाइज मैं आपको दिखा दूँ, सेटअप के नाम पर देखिए ये होता है एक नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा, साथ में एक स्मार्टफोन ताकि फुटेज जो हम लाइव भी देख सके, और ये है पावर के लिए पावर बैंक। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सेटअप है जो कि पूरी रात के लिए गाइज इस जगह पर ये कैमराज जो रहने वाले हैं, और हमने जगह भी तय कर ली है जहाँ पर हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए क्लियरली, हेलो गाइस, ये है इस कैमरे का नाइट विजन मोड, सब कुछ एकदम क्लियरली सब कुछ दिखाई देता है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस, हमें भी थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि हमें एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है, बट फिर भी अभी उतनी रात नहीं हुई है कि हम लोग यहाँ से भाग लें। तो हम पहले जो फर्स्ट कैमरा जो ये वाला, इसको सेटअप करने जा रहे हैं, इसको हम प्लेस करने जा रहे हैं उसी जगह जहाँ पर हमने आवाज़ें सुनी थी और थोड़ी बहुत चीज़ें जो महसूस करी थी। तो आ जाइए मेरे पीछे। एंड गाइस सच में ऐसी चीज़ें करने में हमें एक सपोर्टिव टीम की बहुत ज़रूरत रहती थी, क्योंकि अकेला आदमी ऐसी कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं कर सकता है, मुश्किल रहेगा ही रहेगा। सो लुक एट दिस प्लेस, यही वो जगह थी जहाँ पर हमने कुछ आवाज़ें सुनी थी बहुत ही भयानक वाली। तो आ जाइए, मैं पहले आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि गाइज ये कभी भी गिर सकती है, तो अभी तो इसके अंदर ज़्यादा टाइम रुकना भी खतरनाक हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती ही है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये कुछ इस तरीके का कमरा है, एंड सबसे डरावनी जगह है यहाँ के किचन या फिर बाथरूम जो भी होगा, ये जगह गाइज काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि डरावनी टाइप है। अगर दिखाने की कोशिश करो, यहाँ पर देखिए ये जगह पूरी गिरी हुई है, यहाँ पर दिखाओ ज़रा, इस प्लेस को दिखाओ, ये पूरा गिर चुका है। एंड गाइज सच में हमने इसी जगह में बहुत ही भयानक वाली, एकदम आप कह सकते हो कि आप उसे समझ भी नहीं पाओगे, ऐसी कोई साउंड सुनी थी। तो हम एक प्लेस डिसाइड करते हैं एंड देन इस कैमरा को प्लेस करते हैं। गाइज हमने मोबाइल फ़ोन के साथ में यहाँ पर कैमरा जो वो सेटअप किया है, और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, थोड़ा सा मैं सेटअप कर लूँ। गाइज हमने जैसे यहाँ पर कैमरा प्लेस किया, जहाँ तक हम यहाँ पर आए
कैमरा अच्छे से वर्क कर रहा था, हमने जैसे प्लेस किया इसने काम करना बंद कर लिया, हमने सब कुछ चेक किया, नेटवर्क वगैरह सब कुछ सही है, बट इसकी लाइव जो ब्रॉडकास्टिंग हमारे फ़ोन में नहीं दिखाई दे रही है। अभी इसको हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ तक हमने सब कुछ चल फिर लिया, सब जगह काम कर रहा था, अभी आप देखें तो यहाँ पर बफरिंग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट का इशू है, हमने जो स्मार्टफोन यूज़ किया है गाइस उसमें अच्छे से नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क वाली जगह पर हमने इसको प्लेस किया, बट स्टिल यहाँ पर फर्स्ट कैमरा की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, हो गया, ठीक है गाइस, अभी हो चुका है, अभी फटाफट से यहाँ से कर निकल लेते हैं, ठीक है, इसको सेट कर देता हूँ मैं अच्छे से। गाइस ये जो क्वालिटी है आपको थोड़ी सी कच्ची दिख रही होगी, बट बाद में ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में मिलेगा हमें। गाइज यहाँ पर कैमरे के एंगल अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए हमने कुछ इस एंगल में जो वो इस कमरे में कैमरा जो यहाँ पर प्लेस कर दिया है, होपफुली सब कुछ बढ़िया रहेगा। एंड गाइज जो हमने आवाज़ सुनी थी वो क्लियरली इस वाली जगह में से आई थी, तो हमने कैमरे का जो मुंह है इसी तरफ रखा है ताकि हम अच्छे से अच्छी रिकॉर्डिंग निकाल सकें। अभी चलते हैं दूसरे कमरे में दूसरा कैमरा सेट करने के लिए। गाइज जो दूसरा कमरा भी है उसको भी सेम तरीके से बनाया गया, बट यहाँ पर आइए, ये जो कमरा है ये यहाँ से एकदम सही सलामत है, देख लीजिए ये सही सलामत है। और तो क्या कह सकते हैं, आ जाइए फटाफट से हम काम करके निकल लेते। आई थिंक इस जगह के लिए ये वाला जो जगह है वो सही रहेगा मेरे हिसाब से। थोड़ा सा मैं इसको सेटअप कर देता हूँ। गाइज तो हमने सोच लिया है बेस्ट एंगल रहेगा ये वाला, दूसरे कमरे में जो है यहाँ पर रख दिया है हमने, हमारा दूसरा सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। एंड अभी बारी है यहाँ से कल्टी मारने की। सच में यहाँ की जो बातें हैं और जो हमने फील किया है वो हम आपको वीडियो के ज़रिए जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। गाइस जो हमारे साथ लोग थे उनको पता है कि क्या हुआ था, बट फिलहाल हम जाएंगे और ज़्यादा देरी होने से पहले हम इस जगह से निकल ले, आ जाइए। गाइज हम इस जगह को छोड़कर फटाफट से निकल रहे हैं। एंड ऐसा कोई हमने फिक्स नहीं रखा है कि एकदम सुबह होने तक रखेंगे, हमें जब वापस से ऐसा लगेगा नहीं अभी जाना चाहिए, हम अपने हिसाब से 4 या फिर 5 बजे सुबह भी आ सकते हैं वापस से कैमराज लेने के लिए। सब कुछ हम क्लियरली इस पर ध्यान रखे हुए है कि क्या कोई एक्टिविटी या फिर कोई इंसान अगर कुछ करता है या फिर नहीं। सो गाइज फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, अभी हमें वेट करना है, हम सो नहीं सकते, हमें जगकर ही रहना है, क्योंकि अगर हम सो गए हमने लाइव फुटेज पर नज़र नहीं रखी तो कैमराज चोरी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एंड साथ ही साथ गाइज अगर हम सो गए तो अगर सुबह हो गई तो समझो कैमराज गए, क्योंकि सुबह होने के बाद बस है ना हलचल शुरू हो जाती है लोगों की, तो हमें जो पूरी रात जागना है 4 बजे तक, मतलब पूरी रात भी नहीं बोल सकते, तो 5-6 घंटे ऐसे ही क्या मूवीज़ वगैरह देखेंगे, थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, एंड बाद में डायरेक्टली अभी मैं मिलूँगा आपको गाड़ी में जब हम यहाँ से निकल जाएंगे। हमने जो 4 बजे तक इंतज़ार किया और हमारे वहाँ से यहाँ आते आते आधा घंटा निकल गया, मतलब तकरीबन 4:30 के आसपास बज चुके हैं। एंड हम गाड़ी एकदम स्लो चला रहे क्योंकि भैया नींद नहीं हुई है पूरी, तो रिस्क भी नहीं ले सकते। अभी हमारा जो काम है वो है फटाफट से हमारे कैमरा रिकवर करना, और जो हमें चोरी का डर था गाइस वो दिक्कत नहीं आई है, कैमरा अभी भी ऑन ही है, सब कुछ चल रहा है। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? गाइज जगह जो वो जा चुकी है, मैं आपसे बातें कर रहा था आगे से ना, तो भाई साहब फर्स्ट जो हमारा कैमरा था यही पे है ना, या फिर ये वाला? ठीक है गाइज, यहाँ पर हमने जो अपना कैमरा सेट किया था, हमारे जो कैमराज है गाइज वो यहाँ पर है, वो भी सही बात है। अरे यार भाई फ़ोन यहाँ पर रखा था तुमने? नहीं, कहाँ पे था? एक्चुअली में फ़ोन कहाँ पर रखा हुआ है? यहाँ पर, सही में यही पे था। गाइज यहाँ पर कुछ तो एक्टिविटी हुई है, किसी ने छेड़खानी करी है हमारे सेटअप के साथ, हो सकता है गाइज पीछे से करी हुई यहाँ से, क्योंकि गाइज कैमरा का मुंह जो है इस तरफ है, स्मार्टफोन यहाँ से हम यहाँ पर रख के गए थे ना, नेटवर्क वाली जगह पर हमने इसको प्लेस किया, बट स्टिल
यहीं पर गाइस स्मार्टफोन रखा हुआ था और अभी ये यहाँ पर रखा हुआ है और आप देख सकते हो यहाँ से कुछ ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, छुआ है अगर किसी इंसान ने तो वो स्मार्टफोन यहाँ पर रखता भी नहीं। पता नहीं क्या हुआ है, इसको निकालो फटाफट से। ये लो स्मार्टफोन गाइस, दूसरा कैमरा रिकवर करते हैं, वहाँ की हालत क्या है वो आप देख लेना। और आपके सामने हमने कैमराज रखे हुए थे गाइस, अभी तो मेन चीज़ घर पर जाकर करनी है, हमें पूरी जो रिकॉर्डिंग है उसे छानना है कि भैया कहाँ पर कुछ दिखा है, और इस हिसाब से हमें आपको दिखाना है कि यह काफ़ी घंटे का रिकॉर्डिंग हो गया, सारा तो एक वीडियो में डाल नहीं सकते, हमें कुछ 5 से 10 मिनट आपके लिए स्पेशली पूरा छान के निकालने पड़ेंगे। एंड ये रहा गाइस, यहाँ पर जैसा कि रखे गए थे वैसे ही है ना, ठीक है इसको उठा लो। कैमराज बचे हुए हैं, ये रहा हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है पूरे सेटअप के साथ, स्मार्टफोन बैटरी वगैरह सब कुछ था। एंड ये रहा दूसरा, पता नहीं हमने कुछ गलती से स्मार्टफोन को हिला दिया था जाते वक्त, नहीं, या फिर किसी ने आकर वहाँ से उसको छुआ है, वापस से रख भी दिया है। फटाफट से घर पर चलते हैं, थोड़ी सी नींद लेते हैं, एंड अभी भी काफ़ी सारे घंटों का काम जो बचा हुआ है, चलिए घर। गाइस घर आने के बाद में हमने काफ़ी घंटे लगा दिए, सारे फुटेज क्लियरली हमने एग्जामिन किया, सब कुछ पता लगाया, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हमें स्टार्टिंग में खुद को पता नहीं थी, हम भी डर गए थे कि भैया कुछ हो सकता है, बट थोड़ी सी रिसर्च के बाद हमने पता लगा कि वो कहीं ना कहीं हमारी गलती थी उन्हें समझने में, वो चीज़ ऐसी ही नहीं थी। बट यार एक चीज़ फिर भी है जो हमें दिखी है, वो नॉर्मल नहीं है। एंड गाइस यहाँ पर जो हमारा कैमरा नंबर 2 था उसमें ये जो चीज़ है वो रिकॉर्ड हुई है, थोड़ी सी अनएक्सप्लेनेबल है। एक शेडो है, ह्यूमनॉइड सा शेडो जो कि एकदम इंसान जो होते हैं वैसा ही दिख रहा है, एंड लेफ्ट टू राइट ये जो फुटेज देख रहे हो ना पूरी, वहाँ पे लेफ्ट टू राइट जो वो जाता हुआ दिखेगा आपको, एकदम लेफ्ट कॉर्नर से राइट की तरफ हल्का सा दिखेगा 2 या फिर 3 सेकंड के लिए, एंड देन आप बताना कि ये कुछ है या फिर ये भी कुछ हमारी गलती है, हम समझ नहीं पा रहे, अगर आप समझ रहे हो तो बताना, ठीक है। गाइज यहाँ से क्लियरली अब आप देखना लेफ्ट साइड की विंडो के आसपास में कुछ क्रिएट हो रहा है, देखिए एक शेडो क्रिएट हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई चलकर जो वो यहाँ से निकल रहा है, देखिए अगर आप क्लियरली उस चीज़ को देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोई ना कोई चीज़ एकदम ह्यूमनॉइड फिगर, जैसा कि इंसान होते हैं वैसा ही एक फिगर है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, बट हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि इस टाइम पर गाइज हम यहाँ पर थे ही नहीं। एंड देखिए, एंड एक और बात, ये किसी की परछाई नहीं है क्योंकि हमारी जो परछाई होती है वो डार्क होती है और ये थोड़ी सी ब्राइट है, जैसे कि मूवीज़ में आत्मा को दिखाया जाता है, सेम ऐसी ही चीज़ कुछ दिख रही है, बट ये लेफ्ट टू राइट जाती हुई क्लियरली यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए जैसे मैं एरो को आगे पीछे लेता हूँ, यहाँ से एक चीज़ आ रही है जो कि राइट की तरफ जाकर वैनिश हो जा रही है, देखिए अगर इस चीज़ को स्लो में देख रहे ना तो नहीं दिख रही है, थोड़ा सा हमें इसको स्पीड में चलाना पड़ रहा है। देखिए अभी मेरे हिसाब से आपने देख लिया होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हो। एंड गाइज यही चीज़ हुई है हमारे साथ में कि ये जो चीज़ है इसे हम नहीं समझ पाए बट यहाँ पर ये दिखी है, और दूसरी जो चीज़ थी वो हमारा स्मार्टफोन वाला किस्सा, जो कि हम जो अपना स्मार्टफोन जहाँ पर छोड़कर गए थे वहाँ पर वो एक्चुअल में था नहीं। भाई फ़ोन यहाँ पर रखा था तुमने? नहीं, कहाँ पे था? यहीं पर। एक्चुअल में फ़ोन कहाँ पर रखा हुआ है? यहाँ पर। लौटे तो उसने जगह बदल ली थी, अभी देखो हो सकता है कि किसी ने उसको छुआ हो, किसी ने छेड़खानी करी हो, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हवा की वजह से गिर गया हो, ठीक है उसका हम कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, बट ये जो चीज़ है गाइज आप देखकर बताना कि यहाँ पर सच में हुआ क्या है। सीसीटीवी कैमराज है नाइट विजन वाले, अगर शेडो होती तो ऑब्वियसली बात है कि वो डार्क होती, जैसे कि आपको पता है वो काले रंग की होती है, बट ये जो चीज़ है वो ब्राइट है। अभी भी गाइज यहाँ पर बहुत सारे टुकड़े थे जो हमने फुटेजेस करी, एक एक मिनट में पार्ट हो गए थे सारे के सारे, एंड सबको छानना बहुत ही मुश्किल था। अभी भी पता नहीं इससे भी तगड़ा कोई प्रूफ हमसे छूट भी गया होगा क्योंकि हमने तो पूरी कोशिश करी है, बट हो सकता है छूट गया, बट ये चीज़ हमारे हाथ लगी है। आपने भी क्लियरली देखा कि एक विंडो की तरफ से लेफ्ट टू राइट कोई चीज़ जा रही है, बट अभी वो क्या था हम भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड बता दूँ यहाँ पर ये एकदम ओरिजिनल वीडियो है जो कि सीसीटीवी कैमरा से निकला है, और उसको एडिट कर पाना नामुमकिन के आसपास है, तो ऐसा मत सोचना कि कुछ यहाँ पर हमने लगा दिया था एक्स्ट्रा। तो यही चीज़ थी गाइज, एंड आई होप आप इसे क्लियरली देख पाए होंगे, और आपकी राय जो है वो हमें कमेंट में बताना, एंड हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ ऐसा ही, एक और हॉरर जगह पे, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।